नमस्कार, मैं राहुल सौमित्र आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं पत्रकारिता के सबसे खरे न्यूज चैनल भारत समाचार पर। वक्त हो गया है दोपहर की सटीक और सार्थक बहस दोपहर वार का। लखनऊ में आज गजब का नजारा है। एक तरफ देश के गृहमंत्री अमित भाई शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आज एक बड़ी रैली करने आ रहे हैं, बल्कि पहुंच भी चुके हैं। अब से थोड़ी देर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और इससे कुछ एक किलोमीटर की दूरी पर, तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर कुछ मुस्लिम महिलाएं रिजेक्ट सीएए का विरोध पिछले शुक्रवार से कर रही हैं और दिन या रात सोना जागना सब कुछ यही कर रही हैं। भले छत पर टेंट हो या ना हो, लेकिन उनको लगता है कि हमारी नागरिकता चली जाएगी। तो आज लखनऊ में नजारा दो है, एक तरफ अमित शाह यानी गृहमंत्री और दूसरी तरफ देखिए दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में बोल रहे हैं, और ये जो दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लखनऊ के घंटाघर की तस्वीर है। इसमें देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि रिजेक्ट सीएए, रिजेक्ट एनआरसी, रिजेक्ट सीएबी, हालांकि सीएबी ही सीए हो गया है। तो ये दोनों तस्वीरें बहुत कुछ बतला रही हैं। यानी क्या सरकार ये समझा पाने में कामयाब हो गई है कि नागरिकता संशोधन कानून समर्थन में है, और अगर समझाने में कामयाब हुई है तो ये लोग बैठे क्यों हैं? और सवाल ये भी है कि ये विरोध कब तक चलेगा, जब लगातार भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि नागरिकता आपकी जाएगी नहीं, बल्कि हम ऐसे लोगों को नागरिकता देने जा रहे हैं जो अल्पसंख्यक है, वो अपने देशों में धार्मिक आधार पर उनका उत्पीड़न हो रहा है। तो फिर आखिरकार इन मुस्लिम महिलाओं को ऐसा क्यों लगता है? आप शाहीन बाग चले जाइए, लखनऊ के शाहीन बाग कहे जाने वाले घंटाघर में चले जाइए या प्रयागराज में, और सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए संबोधित कर रहे हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर। ये बहस भी जारी रहेगी, लेकिन वो कह क्या रहे हैं सुनते हैं। अमित शाह जिंदाबाद,